अभी हम खड़े हैं जंतर मंतर पर, जहां पर C2 SFI और DYFI के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी मुख्य डिमांड रोजगार को मौलिक अधिकार में तब्दील करने की है। आइए यहां मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के विरोध प्रदर्शन के क्या मायने हैं। मजदूरों को तो बुरा हाल है, काम धंधा तो है नहीं, कैसे बच्चे पाला जाएगा। ऐसे भी लॉकडाउन में एक साल से, तो पिछले साल से तो लोग मर रही है, अभी तो रोटी मिलना मुश्किल है। यहाँ मांग है कि थोड़ा रोजगार मिल जाए, नहीं सर थोड़ा रहने का जगह मिल जाए, बस बाल बच्चा थोड़ा खुशी से कमाए, खाएं दो रोटी, बस कुछ नौकरी उकरी मिल जाए, बस और क्या चाहिए सर। जब चुनाव आते हैं तो रोजगार के वादे किए जाते हैं, 2 करोड़ रोजगार बिहार में आप देखोगे कि उन्होंने कहा 19 लाख रोजगार, बंगाल में कुछ और बोलेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते हुए ये युवाओं को भूल जाते हैं। आज भी आंकड़े आ रहे हैं कि लॉकडाउन में भी कितने सारे नौकरियां गया है, एक तो ये नौकरियां नहीं बन रहा है और नौकरियां जा रहे हैं, और ये भी नहीं है जो नौकरी जो है उसका क्वालिटी भी खट रहा है। लॉकडाउन में सर उधर जुग्गी इलाका है, कभी खाना पहुँचता था कभी नहीं पहुँचता था, ऐसा था सर, और राशन हम लोग का मिलता ही नहीं है। चाय पानी का बेचते थे, 7 महीने 8 महीने के बाद दुकान खोले, वो भी नहीं चलता है अभी, बाहर का खाना लोग खा ही नहीं रहा, तो कैसे जिएगा लोग, मजदूर कैसे रहेगा। जनता के लिए जो विकास करने वाले जो पब्लिक सेक्टर है उसको और फिनेंशियल सेक्टर को ये सारे खत्म कर रहे हैं, कृषि कानून भी है, लेबर कोड है, ये पूरा एक पैकेज है, ये सालों से ही वो करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे, तो अभी एकदम ये लॉकडाउन के टाइम में और ये करने के लिए। हम लोगों का अनुमान है कि करीब 30% के आसपास अभी दिल्ली के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, रेट है। इसके अतिरिक्त सेमी एम्प्लॉयमेंट, मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट और इस तरह के एम्प्लॉयमेंट की भी स्थिति है, मतलब महीने में 15 दिन का काम या 20 दिन का काम या दिन में 4 घंटे का काम, इस तरह के काम करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर मौजूद है। जाहिर सी बात है इससे दिल्ली के अंदर एक भयावह स्थिति रोजगार की बनती जा रही है। सरकार उस रोजगार से निपटने की बजाय, स्थिति से निपटने की बजाय लगातार दूसरे तरह की चीज़ों में इंगेज्ड है, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है उसके अंदर ज़्यादा उसका ध्यान है, और इस फंडामेंटल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश दिल्ली की सरकार की तरफ से भी नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है केंद्र की सरकार तो दोषी है ही है। पूरा जो दुनिया का जो आर्थिक संकट है उससे भी इसका है कि वो पूंजीवाद जो है अपना मुनाफे के लिए कुछ भी करेंगे, ये स्थिति में आया है। तो ये जो प्रदर्शन है, ये मुख्य मांग है कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। और क्यों चाहिए मौलिक अधिकार? क्योंकि अगर काम की गारंटी होगी, पक्का काम की गारंटी, उससे जीवन एक स्तर बढ़ेगा और विकास भी होगा। असली देशभक्ति इस बात में है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। देश के शहरों के लिए और खास तौर पे दिल्ली जैसे शहर के लिए हम लोग भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना की मांग कर रहे हैं, जिसमें हर अनएम्प्लॉयड यूथ को जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक उसको 7,500 रुपये की हम मांग उठा रहे हैं। ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने बहुत सोच समझ के एक मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी की मांग उठाई है। ये रोजगार की डिमांड बहुत बड़ा सवाल है, और मोदी जी को अगर इस पर नहीं बोलेंगे और इस पर काम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में सत्ता से बाहर करने का नौजवान दम रखता है।